नमस्कार दोस्तों, एथ्रीनी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेश और सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। आज के दिन मैंने ये चैनल भी शुरू किया था तो आज बर्थडे भी कह सकते हैं एथ्री हिंदी का। तो शुरुआत करते हैं अपने वेडनेसडे वीक ऑफ सीरीज की। 11वां एपिसोड है ये। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि ये Q&A सीरीज है जिसके अंदर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सवाल इस सीरीज में शामिल हो तो अपना क्वेश्चन #A3Hindi के साथ किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से, जो पूछा है उज्ज्वल श्रीवास्तव जी ने। ये बोलते हैं विच फोन इज बेस्ट, ओप्पो F7 और सैमसंग A6? तो मेरे ख्याल से ओप्पो F7 ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहां तो एक तो आपको नोच डिजाइन मिल जाता है। चलो वो आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको नोच डिजाइन पसंद आता है या नहीं आता है। दूसरा, सेम प्राइस रेंज में आपको इंटरनल मेमोरी ज्यादा मिल जाती है, A6 में केवल 32GB मिलती है। इसके अलावा कैमरे की परफॉर्मेंस भी F7 की ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू गैलेक्सी A6। अगला सवाल है सूर्यकांत देव जी का। ये बोलते हैं #Sir प्लीज हेल्प, 10K अंडर कौन सा बाय करना सही होगा, Redmi Note 5 और Samsung Galaxy J4? प्लीज बोलिए। तो यहाँ कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है Note 5 और Galaxy J4 का। नो डाउट Galaxy J4 उतना अच्छा डिवाइस नहीं है जितना Redmi Note 5 है। Note 5 एक कंप्लीट ऑलराउंडर डिवाइस है जहाँ आपको कैमरे की परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, इसके अलावा हार्डवेयर भी आपको एकदम कमाल का मिलेगा। तो J4 से अच्छा रहेगा Redmi Note 5। अगला सवाल है WhatsApp स्टेटस का, #A3Hindi, क्या J6 एंड O6 एंड O8 एंड J8 में स्क्रीन कास्ट है क्या स्मार्ट व्यू? बिल्कुल है स्मार्ट व्यू, आप क्यूके एक्सेस पैनल से एक्सेस कर सकते हो, चारों के चारों डिवाइस में दिया गया है। अगला सवाल मोहम्मद अरशान जी का, ये बोलते हैं #A3Hindi भाई तुम्हारा सबसे महंगा अनबॉक्स फोन कौन सा है, गैलेक्सी S9 प्लस। अगला सवाल सैमसंग असिस्टेंट का, ये बोलते हैं #A3Hindi दोस्त Redmi Note 5 Pro वर्सेज iPhone 6s इन दोनों में कैमरा किसका बेटर है, ब्लर को छोड़ दें तो? तो मैंने कभी iPhone 6s यूज नहीं किया है तो सॉरी मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। अगला सवाल RKS क्रिएटिविटी का, ये बोलते हैं #A3Hindi भैया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेम टू यू एंड Samsung O8 और J8 इन दोनों के बीच में कौन सा स्मार्टफोन का कैमरा बेस्ट है? मुझे लगता है दोनों का बिल्कुल सेम होगा क्योंकि सैमसंग अपनी ऑफलाइन की जो जे सीरीज आती है उसी सेम सीरीज को ऑन सीरीज के नाम से ऑनलाइन बेचती है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ आपको कोई भी डिफरेंस मिलेगा। हालांकि O8 मैंने अभी तक यूज नहीं किया है तो मैं केवल गैस कर रहा हूं ऐसा। अगला सवाल पिंकू मोदी जी का, 10,000 की प्राइस में कौन सा मोबाइल फोन सबसे अच्छा है? तो मैंने यूज किया है 7A 7C, Realme 1 3 32, इसके अलावा Honor 9 Lite, Redmi Note 5, Redmi Y2, Galaxy J7 Next, Galaxy J4। तो ये सारे फोन जो 10,000 की रेंज में इस समय अवेलेबल हैं, 6-7 ये मैंने यूज कर लिए हैं और इनमें सबसे अच्छा कमाल का फोन मुझे लगा Redmi Note 5। हालांकि रियर पर पोर्ट्रेट मोड नहीं है लेकिन सारी चीजें बाकी की बैलेंस है एकदम, डिस्प्ले अच्छा है, इसके अलावा हार्डवेयर भी अच्छा है, कैमरे की परफॉर्मेंस भी कमाल है। अगले तीन सवाल सेवक जी के, सबसे पहला सवाल #A3Hindi MI A2 का अनबॉक्सिंग कब करोगे? कल है सेल, पिछली बार प्री बुकिंग हुई थी, मैंने कोशिश की लेकिन YouTube बुक नहीं हो पाया, हो जाता तो अब तक अनबॉक्सिंग भी हो गया होता। तो कल फिर से सेल है, कल मैं बुक करने की कोशिश करूंगा, अगर कल हो जाता है तो 3-4 दिन में मेरे पास डिलीवर हो जाएगा, तुरंत मैं करूंगा उसकी अनबॉक्सिंग। अगला सवाल #A3Hindi भाई Redmi Note 5 Pro का वायरलेस ईयरफोन में साउंड क्वालिटी कैसा है? अब ये तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा वायरलेस ईयरफोन यूज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवक जी का #A3Hindi भाई Redmi Note 5 Pro हीट होता है क्या? कुछ खास इशू नहीं है हीटिंग का कि बोले कि इश्यू है इसके अंदर, नॉर्मल जो डिवाइस हीट होते हैं थोड़ी देर यूज करने के बाद बस वही हीट होता है और बहुत जल्दी नॉर्मल भी हो जाता है, हालांकि कोई इश्यू नहीं है। अर्जुन बिस्वास जी का अगला सवाल, सर आप कैसे हो? बढ़िया हैं, और आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। सर पूछिए बिल्कुल, आप अगर फोन परचेज करना चाहते हो तो आप कौन सा फोन परचेज करना पसंद करोगे? और आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक है Samsung Galaxy A5 2017 और एक है Samsung A6 Plus, प्लीज सर इन दोनों में से कौन सा फोन बेटर है ये मुझे बताना। तो मैं तो भाई बिना किसी सोच समझ के मैं जाऊंगा A5 2017 की तरफ, कमाल का फोन है यार, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट डिवाइस है, फास्ट चार्जिंग भी मिलता है, इसके अलावा कैमरे की परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, हार्डवेयर की परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। A6 प्लस में केवल आपको रियर पर डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिससे आप रियर पर पोर्ट्रेट मोड पर फोटो ले सकते हो, इसके अलावा A6 प्लस में कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। लगता है बारिश आ गई। अगला सवाल वारिस हुसैन जी का, ये बोलते हैं Samsung Galaxy O8 कैसा है, मैं खरीदूं क्या, I am very heavy user। तो हैवी यूजर के लिए गैलेक्सी O8 एक अच्छी पसंद नहीं है क्योंकि वहां पर आपको मिलेगा केवल स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर, तो इससे अच्छी चीजें 17,000 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएंगी मार्केट में, आप Redmi Note 5 Pro खरीद सकते हो। अगर वाकई में एक हैवी यूजर हो आप तो गैलेक्सी O8 आपके लिए अच्छा फोन नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन, सॉरी दो क्वेश्चन है मॉडर्न ट्यूब के। पहला हैशटैग A3hindi अंडर 25,000 बेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग का। तो सैमसंग का सबसे बेस्ट मेरी नजर में तो ये सीरीज 2017 A5 2017 या फिर A7 2017। अगर बात करें आज के A6 प्लस की, तो अर्जुन जी ने भी जो सवाल पूछा था केवल आपको रियर पर पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा, तो अगर पोर्ट्रेट मोड आपको चाहिए फोन के अंदर तो A6 प्लस, लेकिन अगर बिना पोर्ट्रेट मोड के भी आपका काम चल सकता है तो फिर ये सीरीज 2017 का कोई फोन देख लीजिए, चाहे तो A7 चाहे तो A5। हालांकि जो पोर्ट्रेट मोड का जो दिक्कत है वो आप किसी सॉफ्टवेयर से अपने फोटो को बाद में एडिट भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है। अगर आपको रियर पर पोर्ट्रेट मोड चाहिए तो A6 प्लस, नहीं तो मेरी नजर में A5 और A7 2017। मॉडर्न ट्यूब का ये अगला सवाल, हैशटैग A3hindi G8 में बिक्सबी और स्लो मोशन कैमरा है क्या? स्लो मोशन मोड नहीं है कैमरे के अंदर G8 में, लेकिन बिक्सबी दिया गया है। अगला सवाल जयंत कुमार जी का, सैमसंग के अपकमिंग मिड रेंज फोन क्या है? तो मुझे लगता है अभी एक A9 स्टार आ सकता है, इसके अलावा J5 सीरीज का कोई फोन लॉन्च हो सकता है अगले एक या दो महीने में, इसके अलावा इस और किसी फोन का भी रूमर नहीं है। तो बस यही कुछ सवाल थे इस बार की वेडनेसडे सीरीज के। मुझे उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।